प्लीज़ इस रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बेल बटन दबाने से आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। मैं जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। और आज के वीडियो में मैं आप सबको बनाना फेशियल करना बताऊँगी। बनाना सबसे सस्ता फ्रूट अवेलेबल है आज के डेट में, और अगर आप बनाना फेशियल किट खरीदने जाएंगे तो आपको 700 से 800 से कम में कोई भी बनाना फेशियल किट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि क्यों ना मैं आपके साथ एक बहुत इजी बनाना फेशियल शेयर करूं, जो कि आपको हार्डली 20 to 30 रुपीज़ में कंप्लीट हो जाएगा। ये फेशियल मैं बेसिकली मेरी पिंपल को ट्रीट करने के लिए कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे एक पिंपल हो गया है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि सबसे बेस्ट जो सबसे माइल्ड फेशियल है क्यों ना वो किया जाए। ये फेशियल टोटल 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज क्लिंजिंग, देन स्क्रबिंग, देन स्टीमिंग, देन ब्लैक हेड रिमूविंग, उसके बाद हम मास्क लगाएंगे। इस फेशियल के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गुनगुना पानी, उसके बाद क्लिंजर, देन स्क्रबर, देन फेस मास्क, उसके बाद 2 टॉवल चाहिए हमें, एक सेफ्टी पिन चाहिए हमें और थोड़े से कॉटन चाहिए। बनाना को खाने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम बनाना को अपने फेस पे, अपनी स्किन पे या अपने बालों पे लगाते हैं तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बनाना में विटामिन ए, बी, सी, ई के साथ साथ पोटेशियम, मिनरल्स, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन भी होता है। इसके साथ साथ इस पे विटामिन B6 और C भी होता है। इसकी वजह से जो हमारे स्किन होती है उसमें जितने भी एसेंशियल्स होते हैं वो सारे बनाना हमारे स्किन को प्रोवाइड कर पाता है। बनाना में जितने भी विटामिन्स होते हैं वो सारे स्किन में इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं और एजिंग इफ़ेक्ट्स दिखने नहीं देते, मतलब रिंकल्स और जो फाइन लाइंस होती हैं वो भी रिमूव होती है बनाना के एप्लीकेशन से। बनाना लगाने से स्किन हाइड्रेट होती है और जितनी भी ड्राई स्किन्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम बनाना के एप्लीकेशन से दूर होती है। बनाना एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है, स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करके ऑयल के अमाउंट को स्किन में मेंटेन करता है, रिंकल्स से फाइट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और एक बहुत अच्छी ग्लोइंग स्किन देता है। बनाना डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को भी क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मैंने ये 2 छोटे बनाना लिए हैं, आप चाहें तो एक बड़ा बनाना भी ले सकते हैं। और अगर आपका बनाना पूरी तरीके से पका हुआ है, अक्सर क्या होता है हमारे घर में बनाना हम लेकर आते हैं और वो बहुत ज़्यादा पक जाता है और कोई भी उसे खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और हम उसे फेंक देते हैं, बट नहीं, आप वैसे बनाना भी अपने फेशियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी इक्वली बेनिफिशियल होता है। इनफैक्ट जितने पके के लिए होते हैं उतना ज़्यादा आपके स्किन के लिए वो बेनिफिशियल है। अब हम इस बनाना को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे, फिर उसी पेस्ट से हम हमारा क्लिंजर, स्क्रबर और फेस मास्क बनाएंगे। ये हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब सबसे पहले क्लिंजर बनाने के लिए हम 1 चम्मच हनी लेंगे। हनी एक बहुत अच्छा नेचुरल क्लिंजर होता है। इसमें मैं 4 चम्मच कच्चा दूध ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने आधा चम्मच बनाना का पेस्ट ले लिया है। अब इसे बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी लम्स ना रहे। ये हमारा नेचुरल क्लिंजर रेडी है। अब इस क्लिंजर को एक कॉटन की हेल्प से आप अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करें, बिल्कुल अच्छे से ऑल ओवर फेस पे, अपनी गर्दन पर अप्लाई करने के बाद 2 मिनट्स के बाद आप अपने फेस को हल्का सा मसाज दें इस क्लिंजर के साथ। उसके बाद एक सूखे कॉटन से आप अपने फेस को साफ़ कर लें। फिर आप देखेंगे उस कॉटन में बहुत ज़्यादा गंदगी रहेगी, आपके पोर्स में जितने भी डर्ट और पोल्यूशन था वो सब ये क्लिंजर रिमूव कर देगा और आपके स्किन को क्लीन कर देगा। इसके बाद हम हमारा स्क्रब बनाएंगे। स्क्रब बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच पिसा हुआ बनाना लिया है। देन इसके बाद मैं उसमें 1 चम्मच ओट्स ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच या फिर 1/4 टेबलस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा नेचुरल स्क्रबर होता है। अब इसके बाद इस स्क्रबर की हेल्प से अपने फेस को अराउंड 5 मिनट्स तक के आप स्क्रब करें। ये बहुत ज़्यादा जेंटल होता है, बिल्कुल भी हार्श नहीं होता है स्किन पे,
मैंने अराउंड 5 to 7 मिनट्स तक अपने फेस को इससे मसाज किया था। अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स और एक्ने हैं तब भी आप इसे बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पिंपल्स को और आपके एक्ने को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्श नहीं होंगे आपके पिंपल्स पे। इनफैक्ट ये पिंपल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको स्किन में थोड़ा भी ड्राई लगे तो जो क्लिंजर हमने यूज़ किया था उससे आप वापस से अपने जो स्क्रब है उसे गीला करके फेस के स्क्रबिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। अब स्क्रबिंग करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टीमिंग। स्टीमिंग के लिए मैंने ये जो टॉवल है इसे हल्के गुनगुने पानी में डिप करके उसे अराउंड 30 to 40 seconds तक अपने फेस पर रखे हैं आप। 30 to 40 seconds तक जब आप इसे फेस पर रखेंगे तो आपके जितने भी पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना ये जो फेस में जो जितना भी स्क्रब लगा हुआ था ये सब उसी सेम टॉवल से रिमूव कर दें। पोर्स ओपन होने से जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आपके स्किन में थे वो बहुत ईजिली निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को दो बार रिपीट करें। एक बार फिर से टॉवल को गुनगुने पानी में डिप करके अपने फेस पे स्टीम लें। आप चाहें तो नॉर्मल गर्म पानी से भी स्टीम ले सकते हैं, बट मैं यही मेथड प्रेफर करती हूँ, ईजी होता है, दैट्स वाई। सो सेकेंड टाइम भी सेम प्रोसेस को रिपीट करें। इससे आपके पोर्स ढीले होंगे और जो जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं आपके फेस पे वो सब बहुत आराम से निकल जाएंगे। अब मैं एक सेफ्टी पिन के हेल्प से मेरे नोज़, फोरहेड और लोअर लिप्स में जहाँ पे ब्लैक हेड होने के और वाइट हेड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ से मैं ब्लैक हेड रिमूव करूँगी। मेरे पास ब्लैक हेड रिमूविंग टूल नहीं है, दैट्स वाई मैं हमेशा सेफ्टी पिन ही यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छे से काम करता है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। सो ऐसे आप अपना ब्लैक हेड रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम हमारा मास्क बनाएंगे, फेस मास्क। फेस मास्क बनाने के लिए अब जो बचा हुआ हमारा पेस्ट है उसमें मैंने अराउंड 1 tablespoon हनी ऐड किया है और 1 चम्मच ही हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। दूसरी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी आपके लिए मैंने ये मेंशन कर दिया है कि आप ये चीज़ें ऐड करके अपना मास्क बना सकते हैं। मैं बेसिकली पिंपल के लिए बना रही थी, दैट्स वाई मेरा मास्क जो है वो बेसिकली पिंपल वाले स्किन के लिए है। अब इस मास्क को ऑल ओवर फेस पे बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करें, अपनी आईज़ और लिप्स और नोज़ को छोड़ के पूरे फेस पे एकदम थिक लेयर बना दें इस मास्क की। बहुत ज़्यादा अच्छा ये मास्क है, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको इसे वॉश करने के बाद में। एक थिक लेयर बना लें अपने फेस पे और इसे गुड 15 to 20 मिनट्स तक आप अपने फेस पे छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने अराउंड 15 मिनट्स तक इसे अपने फेस पर रखा था एंड आफ्टर 15 मिनट्स ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप इसे नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लें। नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करने के बाद में आप पैड ड्राई करें अपने फेस को, बिल्कुल भी रगड़े ना, बिल्कुल सॉफ्टली अपने फेस को अच्छे से ड्राई करें। एंड एट लास्ट आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। मैं अक्सर पतंजलि का एलोवेरा जेल ही अप्लाई करती हूँ कोई भी फेशियल करने के बाद में। आप देख सकते हैं मेरे स्किन में डिफरेंस दिख रहा है, जब स्टार्टिंग में मैंने फेशियल स्टार्ट किया था तब से और अभी में आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरे स्किन में। सो यहाँ मेरा फेशियल कंप्लीट होता है। अगर आपको ये फेशियल अच्छा लगा है, ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ आपको शेयर करना है वहाँ आप शेयर कर सकते हैं। हर स्किन टाइप वाला पर्सन ये कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई स्किन टाइप वाला इसे नहीं कर सकता। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।